हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो वीडियो में जाने से पहले पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरी देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज का टॉपिक है 1857 ईस्वी की क्रांति का। तो देखिए, इसमें इस वीडियो में मैंने आपके लिए 1857 ईस्वी की क्रांति से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर करने की कोशिश करी है। हो सके तो मैं इसी वीडियो में सभी सब क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगी या फिर मैं इसका पार्ट टू आपके लिए प्रेजेंट करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ। तो इसका उत्तर है बैरकपुर से। इसका विद्रोह का आरंभ जो हुआ था बैरकपुर से हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और सेकंड क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह केस में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से सैनिक थे जिन्होंने 1857 का विद्रोह आरंभ किया था। तो ये विद्रोह आरंभ किया गया था मंगल पांडे द्वारा। और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। आई थिंक इस क्वेश्चन का आपको पता ही होगा, आंसर पता होगा। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए। वैसे इसका आंसर मैं बता दूं आपको, इसका आंसर है 8 अप्रैल 1857 ईस्वी। 1857 में ही मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। इस विद्रोह का कानपुर से किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो इसका कानपुर में नेतृत्व किया गया था तांत्या टोपे और नाना साहब जी द्वारा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आपका ये भी हो सकता है कि तांत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। तो उनका वास्तविक नाम क्या है, रामचंद्र पांडुरंग। इनका वास्तविक नाम भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो बिहार में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था नेता कुंवर सिंह ने। अब देखिए, जो ये है कि किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था, कौन सी जगह में किया गया था, तो इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके भी मैंने इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए कलेक्ट करे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यही है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था। तो लखनऊ से इसका नेतृत्व किया गया था बेगम हजरत महल द्वारा। अब नेक्स्ट है कि झांसी में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो झांसी में किया गया था रानी लक्ष्मीबाई जी द्वारा। अब अच्छा, अब आप बताइए कि रानी लक्ष्मीबाई जी का वास्तविक नाम क्या था। ये तो आई होप सभी को पता होगा, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद एवं बनारस में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो इस जो विद्रोह है इसका इलाहाबाद और बनारस में नेतृत्व किया गया था लियाकत अली द्वारा। आंसर इज लियाकत अली। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये, लियाकत अली। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक किसने लिखी, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका आंसर है बीडी सावरकर। अब ये क्वेश्चन भी आपसे काफ़ी पूछा जा सकता है कि पुस्तक के बारे में कि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। ये जो 2 मेन क्वेश्चन है वो आपके लिए मैंने यहाँ पे कलेक्ट करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये पुस्तक लिखी गई थी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ पकड़ा गया था। हाँ जी, इस विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ पकड़ा गया था। तो उनको पकड़ा गया था हुमायूं के मकबरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, ये किसके वचन थे, ये किसके द्वारा बोला गया था। तो ये बोला गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रांतिकारियों में लक्ष्मीबाई अकेली मर्द है, ये किसने कहा था। तो ये भी एक ब्रिटिश अधिकारी के वचन है जिनका नाम था ह्यू रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित किया गया था। आंसर इज रंगून। रंगून में उनको निर्वासित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन कार्यालय या मुख्यालय बनाया गया था, और ये बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी।
वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि हम बात कर रहे हैं ना 1857 की, तो इस समिति की स्थापना भी तभी की गई थी 1857 में ही, भारतीय सुधार समिति नाम है इसका। अच्छा जी नेक्स्ट और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये कि 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। तो देखिए जब ये विद्रोह स्टार्ट किया गया था तो इसका चिन्ह निर्धारित किए गए थे, और दो चिन्ह निर्धारित किए गए थे, एक था कमल का और एक चपाती। तो इसका आंसर होगा कमल व चपाती।